Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों की चर्चा की अपनी श्रृंखला में आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बातचीत करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आम तौर पर अगर हम मौजूदा समय में विद्यार्थियों से पूछें तो उनको उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होगी आ, यह कहा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा एक जवाब आ सकता है कि वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और दूसरा जवाब भी हमें मिल सकता है अगर कोई इतिहास का विद्यार्थी है तो वो यह कह सकता है कि वो धर्मपंथी दल के नेता थे कांग्रेस के भीतर लेकिन और ये दोनों व्याख्याएं सही हैं आ, महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और हालांकि दोनों की उम्र में काफ़ी ज़्यादा फासला नहीं था गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी से सिर्फ तीन वर्ष ही बड़े थे आ, महात्मा गांधी ने उनके सुझाव पर अमल करते हुए ही भारतीय राजनीति में खुद को सक्रिय करने से पहले पूरे देश के का दौरा करने का फैसला किया पूरे देश को समझने का फैसला किया और इन सब से अलग गोपाल कृष्ण गोखले की जो पहचान है जिस पर हमें ज़्यादा समझ बनाने की ज़रूरत है वह एक नरम पंथी दल या नरम दल के नेता के रूप में है तो उसे उस पूरी पहचान को हम कैसे समझ सकते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने जीवन में वो बहुत लंबे समय तक इस दुनिया में नहीं रहे उनचास वर्ष की आयु में ही उनका निधन हो गया तो अपने इस जीव छोटे से जीवन में उन्होंने किस तरह से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतक के रूप में अपनी भूमिका अदा की उसको समझने की ज़रूरत है वह भारतीय राष्ट्रवाद के स्वरूप को कैसे देखते थे वे औपनिवेशिक शासन से भारत के संबंधों को किस रूप में देखना चाहते थे इन सभी पहलुओं को हम आज की अपनी इस बातचीत में आ, सामने लाएंगे हमारी जो चर्चा की रूपरेखा है उसमें हम आ, उनके प्रस्तावना के साथ साथ इनके जीवन परिचय सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना बंग भंग के खिलाफ आंदोलन के नेतृत्व पश्चिम के प्रति इनके आकर्षण और भारत के प्रति समर्पण की बात करेंगे सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और राजनीति के बारे में जिन्होंने विचार रखा उसको हम देखेंगे अंग्रेज सरकार की गलत नीतियों का इनके द्वारा विरोध करने की बात कही गई जो कि पश्चिम के इनके आकर्षण या अपने वैश्विक शासन के प्रति एक तरह के प्रशंसा भाव के का जो इनका एक स्वरूप सामने आता है उसे काफ़ी अलग था उन्होंने भारतीय राष्ट्र और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया स्वदेशी के बारे में भी उन्होंने विचार रखा उनका जोर संवैधानिक संघर्ष पर था इसका क्या मतलब है हम इसकी समझ बनाने का प्रयास करेंगे आखिर में हम इनके विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए अपने निष्कर्ष को समाप्त करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शकों में से एक थे वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे गांधी जी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे जैसा कि हमने इस बात का पहले उल्लेख किया राजनीतिक नेता होने के साथ साथ गोपाल कृष्ण गोखले एक समाज सुधारक भी थे उन्होंने एक संस्था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जो आम लोगों के हितों के लिए समर्पित थी देश की आज़ादी और राष्ट्र निर्माण में गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान अमूल्य है अगर हम उनके जीवन के बारे में बातचीत करें तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई अठारह को महाराष्ट्र के कोथापुर में हुआ था उनके पिता कृष्ण राव एक पुलिस सब इंस्पेक्टर थे उनकी माता वालूबाई एक साधारण गृहस्थ महिला थीं घरेलू महिला थीं पिता के असामयिक निधन ने गोपाल कृष्ण को बचपन से ही सहिष्णु और कर्मठ बना दिया देश की पराधीनता गोपाल कृष्ण को कचोटती रहती थी राष्ट्रभक्ति की अजस्त्र धारा का प्रवाह उनके अंतर मन में सदैव बहता रहता इसी कारण वे सच्ची लगन निष्ठा और कर्तव्यपरायणता की त्रिधारा से वशीभूत होकर कार्य करते और देश की पराधीनता से मुक्ति के प्रयत्न में लगे रहते हैं हालांकि जो पराधीनता से मुक्ति शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सीधे तौर पर पूर्ण स्वराज्य देश से अंग्रेजों को भगाने जैसे विचारों के रूप में नहीं जाती है तक नहीं जाती है लेकिन गोखले ने लगातार यह कोशिश की कि जो भारतीय लोग हैं वो आत्मनिर्भर बने उनके भीतर अपने समुदाय को लेकर एक चेतना का विकास हो वे यह चाहते थे कि लोग जो अलग अलग तरह के पहलू हैं जो संवैधानिक सुधारों की बात है जो अंग्रेजों द्वारा बनाई जा रही नीतियों की बात है उनके बारे में एक समझ का विकास करें वो इस बात पर भी जोर देते थे कि लोगों के भीतर मातृभूमि की सेवा की भावना आनी चाहिए यानी लोग अपने अपने जीवन तक सिमटे ना रहें तो निश्चित रूप से वो ये चाहते थे कि देश मजबूत हो देश का युवा जगे देश का युवा संगठित हो हालांकि हम ये जरूर कह सकते हैं या हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए कि वह उन आरंभिक नेताओं में थे जो भारत की राष्ट्रवाद को एक स्वरूप देना चाहते थे और वो अंग्रेजों को देश से निकालने जैसे विचारों की पूर्ण समर्थन में अभी तक नहीं आ पाए अपने जीवन के यात्रा के दौरान और वो चाहते थे कि धीरे धीरे करके परिवर्तन हो अंग्रेजी शासन का जो लाभ हो वह भी लोगों को मिले गोखले के जीवन के आरंभिक दौर की जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें जब उनके पिता का निधन हो गया तो उनके बड़े भाई ने उन्हें पढ़ने मदद की और वहाँ के जो कोथापुर जो स्थान था वहाँ के राजा राम हाई स्कूल से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की बाद में वे मुंबई चले गए और अठारह में अठारह साल की उम्र में मुंबई के एल्फेंसटन कॉलेज से स्नातक की डिग्री उन्होंने प्राप्त की गोपाल कृष्ण गोखले उस समय के किसी भी भारतीय द्वारा पहली बार कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने वाले चंद लोगों में से एक थे उन्होंने उन्हें नवोदित भारतीय बौद्धिक समुदाय और पूरे भारतवर्ष में व्यापक रूप से सम्मान से देखा जाता था गोखले शिक्षा के महत्व को भली भांति समझते थे उनको अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था जिसके कारण वो बिना किसी हिचकिचाहट और अत्यंत स्पष्टता के साथ अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते थे अध्यापन यानी कि शिक्षा छात्र के रूप में उनकी सफलता देखकर बाल गंगाधर तिलक व प्रोफेसर गोपाल गणेश आगरकर का ध्यान उनकी ओर गया उन्होंने गोखले को मुंबई स्थित डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया गोखले सन अठारह में इस सोसाइटी के स्थायी सदस्य बन गए गोपाल कृष्ण गोखले ने 20 वर्ष तक शिक्षक के रूप में कार्य किया अठारह में वे फर्ड्यूसन कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में डिक्कन एजुकेशन सोसाइटी में सम्मिलित हुए वह श्री एम जी रानाडे के प्रभाव में आए और एम डी एम जी रानाडे महादेव गोविंद रानाडे एक तरीके से उनके राजनीतिक गुरु भी बने यह पुनः सार्वजनिक सभा जो एम जी रानाडे ने स्थापित की थी उसके सचिव बने यह माना जाता है कि ज्योतिबा फुले ने इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी अगर हम इस समय के महाराष्ट्र की स्थिति को देखें तो हम यह पाएंगे कि वहाँ पर आ, अलग अलग तरह की धाराएं उभरकर सामने आ रही थी और यह वह दौर था जिस दौर में गोपाल कृष्ण गोखले इस दुनिया में आए तो यानी कि अठारह सौ का दशक अठारह के विद्रोह के बाद एक तरीके से जो भारत में राष्ट्रवाद की या समाज सुधार की धारा थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी हम अलग अलग चिंतकों को देखें इस दौर के जैसे कि हम सैयद अहमद खान को देख सकते हैं तो मुस्लिमों के संदर्भ में औपनिवेशिक शासन के सकारात्मक पहलुओं को रेखांकित करते हैं और उनमें सुधार की बात करते हैं उनमें एक राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास करते हैं उसी तरीके से अगर हम ज्योतिबा फुले को देखें तो ज्योतिबा फुले ने जो वंचित तबके थे जो दलित और पिछड़े थे उनकी स्थिति को रेखांकित किया ब्राह्मणवाद का उन्होंने तिखा विरोध किया और फिर उन्होंने औपनिवेशिक शासन के सकारात्मक पहलुओं को अपनाते हुए अप इन समाज समाज के इन वंचित तबकों की भलाई का प्रयास किया आ, बाल गंगाधर तिलक जैसे जो विचारक इस दौर में हुए उन्होंने अलग तरीके से एक गर्मपंथी धारा का प्रतिनिधित्व किया और अंग्रेजों को वो देश के दुश्मन के रूप में ज़्यादा स्पष्टता से देख पाते थे वो औपनिवेशिक शासन के नकारात्मक पहलुओं को ज़्यादा साफ तरीके से समझ पाते थे और उन्होंने स्वराज की मांग रखी और उसी तरीके से एक धारा जो है वो महादेव गोविंद रनाडे जैसे लोगों के नेतृत्व में आती है जिससे गोपाल कृष्ण गोखले जुड़ते हैं यह एक ऐसी धारा थी जिसमें कि औपनिवेशिक शासन के सकारात्मक पहलुओं को भी रेखांकित किया गया लेकिन इसके साथ साथ समाज में सुधार लाने और समाज के जो अलग अलग तबके थे उनके भीतर देशभक्ति की भावना भरते हुए समाज के प्रति उनके दायित्व का एहसास दिलाने की कोशिश की गई उसी तरीके से एक धारा पंडिता रमाबाई या ताराबाई शिंदे जैसी महिलाओं के नेतृत्व में चला ताराबाई शिंदे हालांकि बहुत सक्रिय नहीं थी लेकिन पंडिता रमाबाई काफ़ी सक्रिय भी रहीं और उन्होंने स्त्रियों को जागृत कर जागृत करने का प्रयास किया उनके अधिकारों की आवाज़ उन्होंने उठाई तो ये अलग अलग धाराएँ थीं और उसमें जो रामचंद्र गुहा हैं वो ये मानते हैं कि जो महादेव गोविंद रनाडे की जो संस्था थी खुद रनाडे एक ब्राह्मण थे और उन्होंने आ, उनके द्वारा एक संस्था स्थापित की गई जिन जिसमें वो सभी सम, समाज के सभी लोगों की बात कर रहे थे और उसमें ब्राह्मणों का दबदबा था खुद गोखले भी एक ब्राह्मण थे तो वो एक तरह की धारा के रूप में आ रहे थे जहाँ पर वो यह दिखाने की या यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी संस्था के द्वारा समाज के सभी तबकों की भलाई करना चाहते हैं सबको जोड़ कर रखना चाहते हैं और एक भारतीय राष्ट्रवाद की परिकल्पना वो आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे जिसमें कि अंग्रेजों से सीधा टकराव नहीं था लेकिन जो ज्योतिबा खुले थे वो यह मान कर चल रहे थे कि जो जाति है जाति के आधार पर जो एक असमानता है समाज में वो सबसे गहरी समस्या है और उन्होंने इनकी संस्था के ख़िलाफ़ सत्यसुधक समाज की स्थापना की क्योंकि ज्योतिबा फुले का यह मानना था कि इस तरह की जो संस्थाएं जो रानाडे या फिर जिसने गोखले जैसे लोग जुड़े हुए हैं उसमें आमतौर पर जो जाति का मुद्दा है वो ज़्यादा अलग तरीके से नहीं आ या स्पष्टता से नहीं आ सकता है मैं जो कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर वह यह कि एक, एक संदर्भ था जिसमें कि गोखले अपने विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं लेकिन वहाँ सिर्फ कांग्रेस या सत्य पुनः सार्वजनिक सभा या महादेव गोविंद रनाडे जैसे लोग ही नहीं थे बल्कि अलग अलग तरह के कई लोग थे और ये सिर्फ मैं महाराष्ट्र के आसपास की राजनीति की बात कर रहा हूँ अगर आप देश के स्तर पर देखें तो दक्षिण में पेरियार और फिर देश के दूसरे भाग में सैयद अहमद खान और कई विवेकानंद और कई ऐसे लोग उभर कर सामने आ रहे थे जो भिन्न भिन्न तरीके से देश और देश की भलाई के लिए चिंतन कर रहे थे और उसी में गोखले भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं और वो खुद को महादेव गोविंद रानाडे की धारा से जोड़ते हैं कांग्रेस से जोड़ते हैं और गोखले 1890 में कांग्रेस में उपस्थित हुए अठारह में वेलबी कमीशन के समक्ष गवाही देने के लिए वह इंग्लैंड गए वह अठारह में, में बम्बई विधानसभा के लिए और उन्नीस में इम्पीरियल विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए 1902 से 1906 के बीच भी पुना म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष भी रहे इस दौरान उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ाना भी जारी रखा और यह एक तरीके से गोखले के बहुआयामी व्यक्तित्व को भी दर्शाता है कि एक शिक्षक के रूप में अपने काम को जारी रखते हुए उन्होंने सार्वजनिक जीवन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो लगातार अलग अलग तरीके से इन सभी भूमिकाओं का निर्वाह करते रहे और इनके माध्यम से उन्होंने भारत के लोगों की स्थिति को सुधारने और उसको बेहतर बनाने का काम किया गोखले के जीवन पर महादेव गोविंद रानाडे का प्रबल प्रभाव था वे सन अठारह में रानाडे के शिष्य बन गए रानाडे ने उन्हें सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पंद्रह वर्ष तक प्रशिक्षित किया क्योंकि वो उनके साथ जुड़कर काम कर रहे थे ईमानदारी सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पण वह सहनशीलता का पाठ पढ़ाया 1905 में गोखले कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने इस समय उनकी राजनीतिक ताकत काफ़ी बढ़ गई और यह भी देखने की बात है कि गोखले जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब उनकी उम्र क्या थी तो उस समय उनकी उम्र तकरीबन उनतालीस साल थी और इस उम्र में जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो हम ये कह सकते हैं कि वो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्षों में से एक थे और उन्होंने एक तरीके से नई ताकत देने की कोशिश की कांग्रेस को और इसी समय उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की इसके स्थापना के पीछे उनका मत था कि भारतीयों को शिक्षित किया जाए गोखले के अनुसार जब भारतीय शिक्षित होंगे तो वे अपने देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझेंगे और इसका निर्वाह भली भारती करेंगे उनके अनुसार तत्कालीन शिक्षण प्रणाली और इंडियन सिविल सर्विसेज भारतीयों के विकास के लिए पर्याप्त नहीं था और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी वे चाहते थे कि भारतीयों का संपूर्ण विकास हो और वे अपने राजनीतिक शिक्षा ग्रहण कर इस क्षेत्र में भी अपना पूर्ण योगदान देने में सक्षम हों इस सोसाइटी ने कई स्कूल कॉलेज की स्थापना की इनके द्वारा रात्रि में कक्षाएं लगाई जाती थी ताकि कार्यरत लोग भी सुविधा के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकें और यह जो एक पहलू है इनके काम का वह सीधे तौर पर राजनीतिक नहीं है गोखले ने यह नहीं किया कि वो पूरी तरीके से लोगों को सीधे तौर पर राजनीति में सम्मिलित कर गोलबंद कर और अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष छेड़ने की वकालत कर रहे थे और यह उस समय के इतिहास को देखते हुए काफ़ी रोचक लग सकता है कि एक तरफ वहाँ पर वी डी सावरकर जैसे भी लोग थे जो अपने जीवन के उस दौर में लगातार क्रांतिकारी और वो महाराष्ट्र से ही थे क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेज़ों के शासन को समाप्त करने की वकालत कर रहे थे और जैसे मैंने पहले उल्लेख किया कि कई और लोग थे जो अलग अलग तरीके से मुद्दों को प्रस्तुत कर रहे थे और उस मुद्दों पर समाज के तमाम तबकों को, -को संगठित करने का प्रयास कर रहे थे और उसके बरक्स गोखले का जो मॉडल आता है उसमें वो सर्विट्स सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से एक कोशिश करते हैं एक पहल करते हैं कि पहले लोगों को शिक्षित किया जाए लोगों के भीतर शिक्षा की अलग जगाई जाए ताकि वो अपनी स्थिति को समझ पाए और अपनी स्थिति को समझने के बाद वो देश की राजनीति से खुद को जोड़ें वो यह देखें कि कैसे वो देश में बदलाव ला सकते हैं उस दिशा में आ, देश की राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं तो वह एक अलग रास्ता था और उसमें वो स्कूलों की स्थापना करते हैं कॉलेज की स्थापना करते हैं इसमें रात्रि में कक्षाएं चलाई जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा ग्रहण कर सकें तो आ, हम एक पृथक रास्ते की तलाश में काम कर रहे गोखले को यहाँ पर देख सकते हैं बंग भंग के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व भी उन्होंने किया फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया मुझे ये उम्मीद है कि आप सभी लोग डिवाइड एंड रूल की इस पॉलिसी को समझते होंगे इसका अर्थ यह था कि अंग्रेजों के लिए यह बड़ी सुविधाजनक स्थिति थी कि वो भारत को अलग अलग समुदायों में बांट कर रखें हर समुदाय को कुछ सुविधाएं देते रहें उसे दूसरे समुदाय के बरक्स खड़ा करते रहे तो जो बंगाल विभाजन का पूरा फैसला था वह भी इसी का एक परिणाम था क्योंकि जो मुस्लिम बहुल इलाके थे उन्हें एक भाग में कर दिया गया जो हिंदू बहुल इलाके थे उन्हें दूसरे भाग में कर दिया गया और इसके तहत यह कोशिश की गई कि धर्म के आधार पर एक विभाजन पैदा हो और इसका काफ़ी तीखा विरोध उस समय हुआ अलग अलग स्तरों पर लोगों ने इसका विरोध किया और हम देख सकते हैं कि जिसे हम गर्म दल का नेता मानते हैं जिन्हें उन्होंने तो इसका विरोध किया है क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया और गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में भी एक तरह का प्रतिरोध सामने आया जो बंग भंग हुआ उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरे देश में बंग भंग का विरोध करने वाला आंदोलन छिड़ा और स्वदेशी आंदोलन भी छिड़ा बंगाल से लेकर देश के अन्य हिस्सों में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी के स्वीकार का जबरदस्त आंदोलन चल पड़ा एक तरफ जहां बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष जैसे गरम दल के नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया वहीं नरम दल की तरफ से गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अगुवाई की उन्होंने आजादी की लड़ाई के साथ से ही देश में व्याप्त छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया वह जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते रहे गोखले अपने अंतिम वर्षों में भी राजनीतिक जीवन में सक्रिय थे वे अपने जीवन में के अंतिम वर्षों में भी विदेश की यात्राएं करते रहे 1908 में उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की साथ ही 1912 में वो साउथ अफ्रीका भी गए जहां उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी वहां रहने वाले भारतीयों की परिस्थितियों को सुधार कर रहे थे गोखले ने उनका भी साथ दिया आ, अंत में 19 फरवरी 1915 को उनचास वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई और यह एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए लेकिन इस कम उम्र में भी उन्होंने भारत की राजनीति पर भारत के सार्वजनिक जीवन पर गहरी छाप छोड़ी और उन्होंने एक ऐसा मॉडल भी प्रस्तुत किया जिसके तहत वह चाहते थे कि जो भारत के लोग हैं वो खुद को जागृत करें खुद को संगठित करें और यह मॉडल ऐसा था जिसमें बहुत सारे तत्व तो गांधी के विचारों में भी सामने आते हैं और इसीलिए गांधी खुद को गोखले के काफ़ी नज़दीक पाते थे जब वो देश में वापस आए साउथ अफ्रीका से तो कई तरह की राजनीति देश में चल रही थी और उस राजनीति में जो बाल गंगाधर तिलक की धारा थी गोखले की धारा थी वो दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण थी और गो, गो, बाल गंगाधर तिलक की धारा का महत्व भी काफ़ी बढ़ रहा था लेकिन गांधी को गोखले की धारा ने काफ़ी आकर्षित किया और वो उससे जुड़े हालांकि उन्होंने उसमें काफ़ी बदलाव भी किया जो नरमपंथी राजनीति थी उसके स्वरूप में और यह भी सच है कि नरमपंथी और गरमपंथी फिर एक भी हो गए थे आ, लेकिन आ, वो ये सारे पहलू जब हम गांधी के बारे में बात करेंगे तो उस पर हम ध्यान देंगे लेकिन गोखले जो थे उन्होंने अपने विचारों को कभी भी पूरी तरीके से नहीं बदला और वो जिस तरीके से देश के समाज और राजनीति में बदलाव लाना चाहते थे लगातार वो उसके लिए काम करते रहे अब उनके प्रति पश्चिम का एक आकर्षण था उनके मन में और भारत के प्रति समर्पण भी था गोखले जो थे वो उन नेताओं की श्रेणी में आ रहे थे जिसमें राजा मोहन राय भी शामिल थे रानाडे भी उसमें सम्मिलित थे नौरोजी दादा भाई नौरोजी भी उसमें थे जो पश्चिमी परंपरा और अंग्रेजी अंग्रेजों के शासन के प्रशंसक थे जब नौरोजी ने अंग्रेजों के द्वारा भारत में हो रहे शोषण को रेखांकित किया तो उन्होंने इसे अनब्रिटिश रूल की संज्ञा दी थी यानी कि वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो शासन चलाया जा रहा है वह ब्रिटिश पद्धति के हिसाब से नहीं है ब्रिटेन में जिस तरीके से रूल ऑफ लॉ है उस तरह का शासन यहाँ पर नहीं है जो कि गलत है और इस हिसाब से उन्होंने इसका विरोध किया था गोखले भी पश्चिमी परंपरा और अंग्रेजों के शासन के प्रशंसक थे वे मानते थे कि भारत में अंग्रेजों का शासन अत्यंत सकारात्मक चीज़ है इसके माध्यम से भारतीय समाज और संस्थाओं में अत्यंत सकारात्मक बदलाव की संभावना जताई गई थी और सकारात्मक मानने का कारण क्या था कि जैसे जैसे अंग्रेज़ आए कई तरह की जो संस्थाएं हैं वो स्थापित हुई पश्चिमी विचारों से लोगों का एक तरीके से परिचय हुआ और उसके माध्यम से एक सकारात्मक बदलाव की उम्मीद लोगों को दिखी आपको यह या याद रखने की ज़रूरत है कि ज्योतिबा फुले के लेखन में भी यह बात सामने आती है राजा राम मोहन राय के लेखन में भी यह बात सामने आती है हालांकि राजा राम मोहन राय ने औप्निवेस्टिक शासन को बेहतर बनाने के कई सुझाव भी दिए कि कैसे इसे भारतीय लोगों के अनुरूप बनाया जा सकता है तो यह ऐसा विचार नहीं था जो उस समय एक अजूबा विचार था धीरे धीरे जो लोगों के भीतर पश्चिमी शासन था उसके आकर्षण की भावना घट रही थी या घटाने का आगे लोगों ने काफी प्रयास भी किया पर आरंभिक दौर में पश्चिम के प्रति एक आकर्षण विद्यमान था गोखले को यह उम्मीद थी कि जो पश्चिम की संस्थाएं हैं जो पश्चिम की जो शिक्षा प्रणाली है वह लोगों के भीतर एक ऐसी जागरूकता पैदा करेगी जिससे कि वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे उनके जीवन में जो पुरानी रूढ़ियाँ हैं पुरानी परम्पराओं के प्रति आकर्षण है वो उससे बाहर निकलेंगे खुद को नए तरह के विचारों से लैश करेंगे और फिर अपने देश के हितों की तरफ ध्यान देंगे उन्हें यह उम्मीद थी कि अंग्रेज भारत का बेहतर को बेहतर समाज बनाने की दिशा में आगे ले जाएंगे इसलिए वे अंग्रेजों का हर प्रकार से संबंध तोड़ने का विरोध करते थे लेकिन गोखले के मन में पश्चिमी विचारों के साथ ही साथ भारतीय परंपरा का भी आकर्षण था वे हिंदू धर्म की कुरूतियों को नापसंद करते थे लेकिन उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म त्यागने का विचार नहीं किया वे चाहते थे कि हिंदू धर्म की बुराइयाँ दूर हों इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी वे मानते थे कि देश और समाज की भलाई के लिए लोगों को आगे आना चाहिए उन्हें यह काम इस तरह से करना चाहिए मानो यह एक धार्मिक कार्य हो उन्होंने यह सुझाव दिया कि भारत का लक्ष्य स्वशासन है यानी गोखले ने शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया इसका अर्थ यह है कि जब हम यहाँ स्वशासन की बात कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि गोखले अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के पक्षधर थे वे यह चाहते थे कि भारतीय अपने मामलों का खुद संचालन करने में समर्थ हों हम यह कह सकते हैं कि इसकी अंतिम परिणति जो है वह अंग्रेजों के देश के बाहर आ, होने में ही आती लेकिन कम से कम गोखले ने खुले रूप में इसका सुझाव नहीं दिया और वे यह चाहते थे कि जो भारतीय लोग हैं और विशेष रूप से जब उन्होंने आ, 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 बात किया हिंदुओं के संदर्भ में तो वे चाहते थे कि लोगों के भीतर ये समझ आए कि वो खुद ही इस बात का कर विश्लेषण करें कि उनकी जो परंपराएं हैं उसमें अगर छुआछूत जैसी चीज़ है जाति जैसी चीज़ है स्त्रियों को कम अधिकार जैसे देने की बातें हैं वो सही नहीं हैं और वो शिक्षा को अपनाएं और देश के भलाई के लिए काम करें तो ये वो शिक्षा के माध्यम से चाहते थे और उनको लगता था कि जो अंग्रेजी शासन है उसने इस तरह की परिस्थितियाँ बनाई हैं जैसा कि मैंने कहा कि वो अंग्रेजों का शासन को समाप्त करने के पक्षधर नहीं थे बल्कि वो चा वो मानते थे कि अंग्रेजों ने कानून और व्यवस्था स्थापित करके अच्छी सरकार दी है किंतु वे धीरे धीरे भारतीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने के पक्ष में थे सार्वजनिक जीवन नैतिकता और राजनीति के बारे में गोखले के विचारों की समझ बनाना महत्वपूर्ण है गोखले राजनीति को धर्म के स्तर तक लाना चाहते थे गोखले मानते थे कि धर्म का नैतिकता से अभिन्न संबंध है वे इसे सत्य और ईमानदारी पर आधारित करना चाहते थे वे भारतीय मूल्यों के अनुरूप सार्वजनिक जीवन का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे नैतिकता किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई नहीं है बल्कि यह सेकुलर मूल्यों से भी जुड़ी हुई है वे चाहते थे कि लोग पूजा की हर पद्धति का सम्मान करें तथा विभिन्न जीवन पद्धतियों वाले लोग एक दूसरे को समझें परस्पर सम्मान और समझ उनके लिए सार्वजनिक नैतिकता का अभिन्न पहलू है उन्होंने तार्किकता आध्यात्मिक और नैतिक मुक्ति तथा सार्वभौमिक सहिष्णुता के मूल्यों का समर्थन किया वे साधन को प्राथमिकता देने में विश्वास करते थे लोगों के भीतर अपनी मातृभूमि के प्रति इतना गहरा प्रेम होना चाहिए कि वे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें गोखले एक आदर्श सार्वजनिक जीवन के लिए दो पुरुष शर्तों का उल्लेख करते हैं पहला यह जीवन पूरी तरह सार्वजनिक हित से निर्धारित होनी चाहिए और दूसरा भले इसमें सभी लोगों की साझेदारी और भागीदारी ना हो पाए किंतु कम से कम बड़ी संख्या में इसमें लोगों की भागीदारी होनी चाहिए इस संदर्भ में उन्होंने पश्चिमी सार्वजनिक जीवन पर भी विचार किया उनके अनुसार वहाँ के सार्वजनिक जीवन में तीन अलग अलग किंतु आपस में जुड़े हुए क्षेत्र हैं पहला राष्ट्रीय सार्वजनिक जीवन दूसरा राजनीतिक सार्वजनिक जीवन और तीसरा मानवतावादी सार्वजनिक जीवन इसमें विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी है स्वतंत्रता की गारंटी होने के कारण ये एक दूसरे के अनुपूरक या सहायक के रूप में काम करते हैं इस संदर्भ में वो यह मानते हैं कि भारत में सार्वजनिक जीवन तुलनात्मक रूप से नई परिघटना है वे अपने देशवासियों को शैक्षिक सेवा की भावना के रूप में इसका प्रसार करना चाहते हैं वे चाहते थे कि लोग अपने व्यक्तिगत सुख और सुविधा से आगे बढ़कर सार्वजनिक स्तर पर जीवन में भागीदारी करें इनका यह मानना था कि धैर्य और स्वायत्तता के साथ काम करते हुए लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट लोगों की शक्ति को मजबूती प्रदान कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति को अपना पूरा प्रयास सार्वजनिक शिक्षा में लगा देना चाहिए और ये आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार इन चीज़ों पर थोड़ी स्पष्टता लाने का प्रयास करूंगा ताकि आप इसकी एक ज़्यादा साफ समझ बना पाए गोखले जो हैं वो नैतिकता की बात करते हैं और वो ये चाहते हैं कि जो साध्य और साधन हैं उसकी पवित्रता बरकरार रखें यानी कि उन्होंने अपने विचारों में इस बात को रेखांकित किया कि हम गलत साधन को अपनाकर अगर साध्य तक पहुंचते हैं तो वो सही नहीं है और वो यह चाहते हैं कि जो लोग हैं वो सार्वजनिक कार्यों से जुड़ें और सार्वजनिक कार्यों को वो एक धार्मिक कार्य के रूप में करें एक पूजा के रूप में लें लेकिन इसका मतलब यह नहीं था और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वो सिर्फ किसी खास धर्म की पूजा पद्धति का समर्थन कर रहे थे वे यह चाहते थे कि सभी धर्मों के लोग एक दूसरे का सम्मान करें और सभी धर्मों का सम्मान हो सभी पूजा पद्धतियों का सम्मान हो कोई एक जो तरीका है वह हावी ना हो पाए पूरे समाज में और लोगों के भीतर यह भावना आए कि उन्हें देश और समाज की सेवा करनी है और देश और समाज की सेवा करने का एक माध्यम उन्होंने शिक्षा को बताया था पश्चिम में जो सार्वजनिक जीवन है वहाँ जो उन उन्होंने जो बातें रेखांकित की उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह यह कि वहाँ पर जो सार्वजनिक जीवन के दायरे हैं वो अलग अलग हैं एक राष्ट्रीय सार्वजनिक जीवन है एक राजनीतिक सार्वजनिक जीवन है और एक मानवतावादी सार्वजनिक जीवन है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है और ये जो सार्वजनिक जीवन है वहाँ पर लोग जो आते हैं वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और समुदाय की बेहतरी के लिए कार्य करते हैं वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में भी लोगों के भीतर भारत में भी लोगों के भीतर इस तरह की भावना का विकास हो और लोग अपने व्यक्तिगत सुख और सुविधा से आगे बढ़कर सार्वजनिक या सामुदायिक स्तर पर जीवन में भागीदारी करें एक स्तर पर जो गोखले हैं उनके विचार एक ऐसे व्यक्ति के विचार को ही नहीं मानते हैं जिसके पास कुछ बुनियादी आज़ादी हो बल्कि वो ये चाहते हैं कि व्यक्ति समुदाय के भीतर समुदाय से जुड़ाव का विकास करके अपने व्यक्तित्व का विकास करें यानी कि वो पूरी तरीके से एक उदारवादी व्यक्ति की कल्पना नहीं करते हैं जो अपने आप में स्वायत्त है और अपने जीवन को उसे कैसे जीना है उसके बारे में वो फैसला कर सकता है जीवन में उसे किन पहलुओं को स्वीकार करना है या किन पहलुओं को नहीं मानना है वो उसे मान सकता है बल्कि वो व्यक्ति को कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं देने के पक्ष में जरूर हैं लेकिन वो ये मानते हैं कि व्यक्ति का जो वास्तविक स्वरूप है वो समुदाय के भीतर आकर ही विकसित हो सकता है वह अपने को दूसरे लोगों से जोड़े और ईमानदारी पूर्वक दूसरे लोगों की जो स्थितियां हैं उनको समझें उन और समुदाय को बेहतर बनाने का काम करें तो एक तरीके से वह यह काम शिक्षा के माध्यम से करना चाहते हैं उन्हें यह उम्मीद है कि जब लोगों को शिक्षा मिलेगी तो लोग अपने कर्तव्य को समझेंगे और वो खुद को समुदाय की भागीदारी के माध्यम से एक बेहतर व्यक्ति बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर वो अपनी व्यक्तिगत सुख और व्यक्तिगत सुविधा से आगे बढ़ते हुए सार्वजनिक या सामुदायिक स्तर पर जीवन में भागीदारी करेंगे तो यह जो सामुदायिक जीवन में भागीदारी का जो तत्व है वह गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों के एक प्रमुख तत्व के रूप में सामने आता है और यह जो सामुदायिक भागीदारी है वह व्यक्ति को अपना जो स्वार्थ है वह उससे आगे ले जाने का प्रयास करता है हम अगर राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में देखें तो हम यह पाएंगे कि जो उदारवाद का जो पूरा विचार आया पश्चिम में उसमें व्यक्ति की स्वायत्तता और व्यक्ति की अपनी आज़ादियों पर काफ़ी जोर दिया गया लेकिन धीरे धीरे करके यह महसूस किया जाने लगा कि इस तरीके की, की जो व्यक्ति की संकल्पना है वह समुदाय को बहुत मजबूत नहीं बनाती है तो पश्चिम में भले ही शुरुआती दौर में इस बात को बहुत ही सहजता से लोगों ने लिया कि वो अपनी स्वतंत्रताओं को भी देख रहे हैं और साथ साथ वो सार्वजनिक जीवन में भागीदारी कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे करके यह प्रवृत्ति घटती गई और इस बात को लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया कि उदारवाद के भीतर का जिस तरह के व्यक्ति की संकल्पना की गई है वह समुदाय से अनिवार्य रूप से नहीं जुड़ रहा है इसलिए जो समुदाय की बात है जो सक्रिय नागरिकों की बात है उस पर बाद में काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाने लगा अगर हम देखेंगे तो अस्सी और नब्बे के दशक में राजनीतिक सिद्धांत में पश्चिम के जो सिद्धांतकार हैं वो बार बार इस चीज़ को रेखांकित कर रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले के विचार में हमें यह आरंभिक स्तर पर ही मिलता है और यह विचार बाद में देश के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान और काफ़ी गहन हुआ लोगों ने इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया लेकिन गोखले का यह मानना था कि सिर्फ अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर या मुद्दों को बगैर समझें अनियंत्रित भीड़ के रूप में सार्वजनिक जीवन में आने का कोई मतलब नहीं है लोग जब सार्वजनिक जीवन में आए तो उन वो शिक्षित होने चाहिए उनके पास यह भावना होनी चाहिए कि उनकी जो संकुचित पहचाने हैं वो उससे बाहर निकल रहे हैं उनके जीवन में जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं वह उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो ऐसी परंपराएं हैं जो कि वर्तमान मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं वो उन्हें नकार रहे हैं जब तक तो लोगों के भीतर यह भावना नहीं आएगी तब तक गोपाल कृष्ण गोखले को ऐसा लगता था कि लोग अपने देश या समाज में बहुत व्यापक परिवर्तन नहीं ला सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की इस तरह के विचारों में हम क्रांतिकारी आंदोलन या फिर जो गर्म दल की राजनीति है उसकी एक आलोचना भी देख सकते हैं यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले अपने विचारों के माध्यम से एक ऐसे समाज की ओर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं जहां पर अंग्रेजों से नफरत के आधार पर लोगों को भीड़ के रूप में तब्दील किया जाए उन्हें संगठित किया जाए और फिर अंग्रेजों को बाहर निकालने का आंदोलन छेड़ दिया जाए वो इस बात को ही मानने के लिए तैयार नहीं थे कि बिना लोगों के भीतर जागृति लाए बिना लोगों को अपनी सामाजिक राजनीतिक स्थितियों के बारे में जागरूक किए हम सिर्फ कुछ लोगों की कुर्बानी से या उनकी कार्रवाइयों से देश को आज़ादी की तरफ ले जा सकते हैं या भारतीय समाज को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं तो उनका जो पूरा का पूरा मॉडल है वह अपने समय में मौजूद कई अन्य मॉडलों पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है और उनका जो जोर है वो यह है कि व्यक्ति को उसके अपने उसका जो एक दायरा है संकुचित पहचानों का दायरा या फिर व्यक्तिगत जीवन का दायरा उससे बाहर लाया जाए उसे शिक्षित किया जाए उसे व्यापक पहचानों से जुड़ा जाए और उसे देश और समाज की भलाई के काम में लगाया जाए और इसीलिए वह सार्वजनिक काम को धार्मिक कार्य के स्तर तक लाने का की बात करते हैं ताकि लोगों के भीतर यह एहसास पैदा हो कि अगर वह सार्वजनिक कार्य से जुड़ते हैं यानी कि समाज के दूसरे लोगों की भलाई समाज की बेहतरी के काम से खुद को जोड़ते हैं तो वह एक पूजा करने जैसा काम कर रहे हैं और इस लिहाज से उनके विचार काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं उनका यह मानना था कि धैर्य और स्वायत्तता के साथ काम करते हुए लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट लोगों की शक्ति को मजबूती प्रदान कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति को अपना पूरा प्रयास सार्वजनिक शिक्षा में देना चाहिए गोखले चाहते थे कि देश स्तर के परिषद से लेकर गांव के यूनियन या शहरों के स्थानीय निकाय से लेकर प्रेस तक सभी लोगों के भीतर जागरूकता और विभिन्न मुद्दों की समझ बनाने के लिए काम करें वे चाहते थे कि लोगों में देश के प्रति पूरी निष्ठा से काम करने की प्रवृत्ति का विकास हो इसका सीधा मतलब यह है कि गोखले के लिए यह सबसे प्राथमिक चीज़ थी कि लोग पहले चीज़ों को समझें उनके भीतर समझ का विकास हो ताकि वो खुद तार्किक स्तर पर इस बात को समझ पाएँ कि जो भी चीज़ें समाज में मौजूद हैं वो क्या हैं और उनकी उन्हें सुधारने का उन्हें बेहतर बनाने का क्या तरीका है कौन सी बातें हैं जो कि गलत हैं उनका विरोध कैसे होना चाहिए किस तरीके से उन्हें नकारना चाहिए इस तरह के जो मुद्दे हैं वह गोखले के लिए काफ़ी प्रमुख थे और गोखले इसी दिशा में देश और समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे तो हम साफ़ तौर पर गोखले का जो मॉडल है और उसकी जो उसका जो एक अलगाव है तत्कालीन अन्य प्रवृत्तियों से उसको देख सकते हैं वह चाहते थे कि लोग व्यापक पहचान की तरफ आगे बढ़ें वो चाहते थे कि लोग मुद्दों को समझें वह चाहते थे कि लोग बहुत जागरूक रूप से स्वयं फैसला करते हुए सार्वजनिक जीवन से जुड़े धैर्य और स्वायत्तता से जुड़े और मुद्दों की समझ बनाते हुए गलत नीतियों का विरोध करें निश्चित रूप से वो एकदम से जोश में आकर कोई कार्रवाई करने के पक्षधर नहीं थे वे नहीं चाहते थे कि लोग भावा अतिरेक में फैसले करें और उसके माध्यम से वो एक ऐसी कल्पना की दुनिया में जियें जहाँ वो अंग्रेजों को बाहर निकाल सकते हैं या जहाँ वो समाज के दूसरे तबकों को स्थापित करके अपने हितों को पाने की कोशिश कर सकते हैं तो इस तरीके से गोखले ने अपने विचारों को व्यक्त किया सार्वजनिक जीवन के बारे में गोखले ने अंग्रेज सरकार की गलत नीतियों का भी विरोध किया वे अंग्रेज सरकार के सद्गुणों के कारण उसका समर्थन करते थे लेकिन जब भी उन्हें यह लगता था कि सरकार या उसका कोई अधिकारी गलत तरीके से काम कर रहा है या भारतीयों के हितों के खिलाफ कर रहा है काम कर रहा है तो वे इसका विरोध भी करते थे उन्होंने अंग्रेज सरकार द्वारा नमक कर कॉटन उत्पादकों पर उत्पाद शुल्क लगाने के फैसले और ऐसे ही अन्य फैसलों या गतिविधियों का विरोध किया उन्होंने भारत में गरीबी उन्मूलन पर जोर देने के लिए वेलबी कमीशन को ज्ञापन दिया इस काम के लिए वे लंदन गए वे चाहते थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अंग्रेजी सरकार सकारात्मक हस्तक्षेप करें और ये जो उनके काम हैं गोखले के वो उस पूरा जो एक मॉडल है जिसमें वो कोई अंग्रेजों अंग्रेजी शासन को बेहतर मान रहे थे उस समय देश के लिए उसकी एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में सामने आता है कि अंग्रेजी शासन को बेहतर मानने का अर्थ यह कतई नहीं था कि वो अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ जो भारतीयों के हितों के खिलाफ थी उस पर खामोश थे उसके बारे में वो कुछ बोल नहीं रहे थे वो लगातार उसकी आलोचना कर रहे थे उन्होंने भारत की गरीबों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के ज्ञापन दिए अंग्रेजी सरकार को जो अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियाँ थीं थी, जिसमें कि सॉल्ट टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भारतीय इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बाद में महात्मा गांधी ने इसी को आधार बनाकर इस कानून को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की उसके आधार पर लोगों के भीतर राजनीतिक चेतना काफ़ी बढ़ी तो उसका भी गोखले ने अपने समय पर विरोध किया था तो हमें इस महत्वपूर्ण पहलू को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जिस धारा का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व तो गोखले कर रहे थे वह धारा निश्चित रूप से उस समय अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने जैसे मसले पर बहुत ज़्यादा साफ रुख नहीं अपना रही थी या हम कह सकते हैं कि वो अंग्रेजों के शासन को भारत की लोगों के लिए बेहतर मान रही थी लेकिन वह धारा एक खामोश धारा नहीं थी वह धारा अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने वाली धारा नहीं थी उस धारा ने अंग्रेज़ों की हर नीति उनके हर काम का समर्थन नहीं किया और ख़ुद गोखले ने समय समय पर भारतीयों के हितों पर मजबूती से जोर दिया और अंग्रेज़ों की गलत नीतियों का भी विरोध किया आ, पहले भी मैं इस बात का उल्लेख कर चुका हूँ कि वो आ, एक ऐसे नेता के रूप में सामने आते हैं जो भारतीय राष्ट्र की परिकल्पना से अपने आप को जोड़ते हैं और उनके द्वारा जिस रूप में भारतीय राष्ट्र की परिकल्पना की गई उसमें वह हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करने वाले चिंतक के रूप में सामने आते हैं हम यह देखेंगे कि यह बात बहुत सारे चिंतकों में उतनी मजबूती से साफ नहीं होती है मिसाल के तौर तो पर हम दयानंद सरस्वती की बात कर सकते हैं हम सर सैयद अहमद की बात कर सकते हैं आ, जो और कई ऐसे चिंतक भी थे जिन्होंने इस प्रश्न पर उतनी गहराई से ध्यान नहीं दिया आ, मिसाल के तौर तो पर ज्योतिबा फुले का जो चिंतन है उस पर ज़्यादा जोर जो था वह वंचित तबकों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए था और उनका उनकी प्राथमिकता सही भी थी लेकिन जो दयानंद सरस्वती या फिर आ, सर सैयद अहमद जैसे जो विचारक थे आ, जो अपने धर्म कि के, के अनुयायियों को एकताबद्ध करने उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे उससे अलग गोखले भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखते थे और वो एक इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखते थे जो कि सरस्वती और सैयद अहमद जैसे विचारों को से अलग हो जाता है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता अनिवार्य रूप से स्थापित होनी चाहिए जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान हो जहाँ पर धर्म के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव ना हो गोखले ने अपने पूरे जीवन में एक राष्ट्र के सिद्धांत के लिए काम किया वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे और इसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया वे मानते थे कि जब तक भारत के लोगों के बीच सहयोग की भावना स्थापित नहीं होगी तब तक भारत का कोई भविष्य नहीं है उन्होंने अपनी संस्था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की सदस्यता के लिए शर्त रखी कि सदस्य बनने के इच्छुक लोगों में सभी धर्मों को बराबर मानने की प्रवृत्ति होनी चाहिए उन्हें खुद को देश की सेवा के लिए समर्पित करना चाहिए और उन सभी संकुचित भावनाओं या विचारों को खुद से दूर करना चाहिए जो व्यक्तियों में भेद पैदा करती हैं और एक तरीके से यह बहुत ही महत्वपूर्ण विचार था उस दौर में जबकि मुस्लिम लीग की राजनीति भी अपना एक आकार ग्रहण कर रही थी और उसकी यह कोशिश थी कि वह पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना करें और उस दौर में जब आ, कि लोग अपनी अपने संकुचित विचारों से या संकुचित पहचानों से जुड़े हुए थे वह एक ऐसा दौर था जहाँ पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि सामाजिक रूढ़ियों के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता आ गई थी तो इससे अलग हटते हुए जो एक राष्ट्र की कल्पना गोखले के विचारों में सामने आती है वह संकल्पना एक ऐसी संकल्पना है जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात है जिसमें लोगों की संकुचित पहचानों से बाहर निकलने की बात है और जिसमें सभी व्यक्तियों को समान मानते हुए उनका सम्मान करने उनकी पूजा पद्धति का सम्मान करने और सारे समाज को एक इक इकाई मानते हुए उसकी बेहतरी के लिए समाज को संगठित करने की एक रूपरेखा सामने आती है और यह एक ऐसा विचार था जिसकी मजबूती को हम लगातार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में होते हुए आगे देखेंगे कि कैसे इन विचारों के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने लगातार खुद को और मजबूती से संगठित किया और जैसे हम पहले इस बात की चर्चा कर चुके हैं और इस बात को याद रखना ज़रूरी है कि गोखले ने कभी भी देश के लिए पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की यह चाहते थे कि अंग्रेजों से संबंध तोड़े बगैर भारत के लोगों को स्वशासन का अधिकार मिले और इस संदर्भ में उन्होंने बार बार इस बात को रेखांकित किया कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो सभ्यतागत मूल्य लाए गए हैं उनमें कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हम अपने सभ्यता को अपने समय की इस परिस्थितियों को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और वे अंग्रेजों के द्वारा प्रस्तुत किए गए संस्थाओं के समर्थक थे गोपाल कृष्ण गोखले के स्वदेशी के बारे में विचार भी काफी रोचक है 1905 में स्वदेशी आंदोलन के समय उन्होंने स्वदेशी का समर्थन किया मुझे उम्मीद है कि आप में से अधिकांश लोग इस बात को समझते होंगे कि स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या था स्वदेशी आंदोलन जो है वह हमारे देश की जो का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके एक प्रमुख नारों में से एक था स्वदेश बंग भंग जब हुआ यानी कि जब बंगाल का विभाजन किया गया तो उसके विरोध में जो आंदोलन चल रहा था उसमें स्वदेशी आंदोलन काफ़ी प्रमुखता से उभर कर सामने आया जिसमें कि जोर दिया गया कि लोग जो हैं वो अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करेंगे और वो जो है उसको वरीयता देंगे बाद में जब असहयोग आंदोलन चला तो महात्मा गांधी ने जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करने की बात की और उनके द्वारा जो चरखा को प्राथमिकता दी जाती थी उसमें भी यह बात सामने बार बार आती थी कि जो आ, आर्थिक स्वावलंबन है उसे लाने की जरूरत है विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने की बात इसमें की गई और यह गोखले यह मानते थे कि देश के में मौजूद नकारात्मक आर्थिक शक्तियों का मुकाबला करने के लिए लोगों के पास एकमात्र हथियार स्वदेशी आंदोलन ही था वे स्वदेशी आंदोलन को देशभक्ति और आर्थिक दोनों तरह का आंदोलन मानते थे लेकिन आ, उन्होंने इस आंदोलन का वर्णन करने के लिए बायकॉट या बहिष्कार शब्द के प्रयोग को नकारा और यहाँ पर वो असहयोग आंदोलन से थोड़े अलग भी हो जाते हैं और वे यानी कि असहयोग आंदोलन जो गांधी के द्वारा चलाया गया गोखली चाहते थे कि इसके लिए यानी कि जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसके लिए सिर्फ स्वदेशी शब्द का प्रयोग ही किया जाए उनके अनुसार हम पूरी तरह से हर प्रकार के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं कर सकते इसलिए पूर्ण बहिष्कार की बात करना सही नहीं है और यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विचार है जहाँ पर हम गोखले के पूरे राजनीतिक दर्शन को भी समेट सकते हैं आर्थिक स्तर पर वो कहते हैं कि हम अंग्रेजी सामान या विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार नहीं कर सकते हैं वो व्यवहारिक रूप से भी इसकी असंभाव्यता को दर्शाते हैं और वो इसे एक गैर जरूरी विचार ही मानते हैं लेकिन इसके साथ ही वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो स्वदेशी की भावना है उस पर जोर दिया जाना चाहिए यानी कि स्वदेशी की भावना का मतलब क्या है कि लोगों के भीतर यह भावना भरी जाए कि वे अपने देश में बनी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दें उसका उपयोग करें तो दोनों में एक महीन देखा है कि लोग अपने देश की वस्तुओं को का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें लेकिन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ना करें यह ठीक उसी तरीके से है जहाँ पर गोखले यह कहते हैं कि लोग अपने भीतर अपने समाज की बेहतरी के लिए देश की राजनीति को बेहतर बनाने के लिए चेतना लाने का प्रयास करें दूसरे लोगों को में वो चेतना डालने का प्रयास करें लेकिन वो अंग्रेजी सरकार को सीधे रूप से देश से बाहर निकालने की बात नहीं करते हैं लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब पहला काम होगा यानी कि जब लोग स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से इसका नुकसान विदेशी वस्तुओं को होगा और उसी तरीके से जब लोग अपने भीतर अपने देश को बेहतर बनाने या देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए चेतना लाएंगे तो इसका नतीजा विदेशी शासन के खिलाफ ही होता तो खुलकर गोखले ने इन दोनों ही पहलुओं की यानी विदेशी शासन को बाहर निकालने की और पूर्ण बहिष्कार की बात नहीं की बल्कि उन्होंने इसका निषेध भी किया इसकी आलोचना भी की लेकिन वो जिस तरीके की नीतियों की बात कर रहे थे वह निश्चित रूप से आगे जाकर इसी दिशा में आगे बढ़ रही थी तो गोखले पूर्ण बहिष्कार या अंग्रेजों को बाहर निकालने जैसी नीतियों से पहले रुक जाते हैं उसकी बात नहीं करते हैं लेकिन वो जिस रूप में भारत की राजनीतिक चेतना को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसकी अंतिम परिणति यही हो सकती थी गोखले का विश्वास संवैधानिक संघर्ष पर था उन्होंने संवैधानिक संघर्ष पर काफी जोर दिया उनके अनुसार संवैधानिक संघर्ष ऐसे साधनों की मदद मतलब से संघर्ष करना संवैधानिक संघर्ष है जिसके इस्तेमाल की अनुमति प्राप्त हो इसके माध्यम से सुनिश्चित प्राधिकारियों की अनुमति से या उन्हें अपनी बात समझा बदलाव लाया जा सकता है आ, वे मानते थे कि संवैधानिक आंदोलन का क्षेत्र बहुत व्यापक है लेकिन इसकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं पहला इसमें ऐसी पद्धति अपनाई जानी चाहिए जिसे अपनाने का हक हो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर हमें कुछ अधिकार मिले हैं संविधान के द्वारा विरोध के तो हम उसका इस्तेमाल करें और उसके माध्यम से हम अपने विरोध का प्रदर्शन करें अब ये अ, कई बार जो गांधी का सत्याग्रह का विचार था उससे एक अलग विचार के रूप में सामने आता है लेकिन पहले हम इस पहलू पर थोड़ी और स्पष्टता लाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी पद्धति अपनाई जानी चाहिए जिसे अपनाने का हक हो और दूसरे स्तर पर वो कहते हैं तो लोकमत के दबाव के माध्यम से संवैधानिक या कानूनिक प्राधिकारी में इच्छित बदलाव के लिए उसे तैयार किया जाना चाहिए और गोखले यह मानते थे कि जब सारे उपाय नाकाम हो जाएं तो पैसिव रेजिस्टेंस या निष्क्रिय प्रतिरोध को अपनाना चाहिए इस तरह का प्रतिरोध नैतिक और आध्यात्मिक होना चाहिए और और जब सारे साधन विफल हो जाएं तभी इसका प्रयोग करना चाहिए इसमें केवल उसी कानून का उल्लंघन करना चाहिए जो चेतना के बिल्कुल प्रतिकूल हो अब यहाँ जो गोखले बात कह रहे हैं वह एक तरीके से इनके विचारों की प्रगतिशीलता को भी दिखाता है कि पहले स्तर पर वो मानते हैं कि जब हमें कोई चीज़ ख़राब लगती है जब हमें लगता है कि कोई नीति बनी है कोई कानून बना है कोई सरकारी फैसला हुआ है जो कि लोगों के हितों के खिलाफ है तो हमें उसका विरोध करने के लिए पहले वैसी पद्धति को अपनाना चाहिए जिस पद्धति की इजाज़त हमें दी गई है मिसाल के तौर पर हम लेख लिख कर मेमोरेंडम जमा करके सरकारी अधिकारियों से मिलकर अपना विरोध जताएं। दूसरे स्तर पर अब हम लोकमत बनाने की कोशिश करें यानी कि हम प्राधिकारी हो जो होते हैं जो अथॉरिटी में बैठे लोग हैं उन्हें यह एहसास दिलाएं कि जो विचार हम रख रह रहे हैं वह सिर्फ हमारा व्यक्तिगत विचार नहीं है हमें ही सिर्फ कोई कानून नीति या फैसला ख़राब नहीं लग रहा है बल्कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जिन्हें यह खराब लग रहा है इसमें भी फिर मेमोरेंडम का सहारा लिया जा सकता है कई लोगों के दस्तखत लिए जा सकते हैं और बहुत ज़रूरी हो तो कुछ हद तक एक हल्का फुल्का एक शांति सा विरोध भी आयोजित किया जा सकता है जिससे कि अधिकारियों को पता चले कि इससे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो नाखुश हैं लेकिन वे कहते हैं कि जब इस तरीके के उपायों का से कोई काम ना चले तो पैसिव रेजिस्टेंस या निष्क्रिय प्रतिरोध को अपनाना चाहिए इस तरह का प्रतिरोध कोई नैतिक और आध्यात्मिक होने का मतलब यही है कि इसमें गलत साधनों का इस्तेमाल ना किया जाए हिंसा का इस्तेमाल ना किया जाए इसमें आगजनी तोड़ जैसे मसले ना हों और इसमें जिसके खिलाफ़ विरोध किया जा रहा है उसके खिलाफ नफरत की भावना उसे मार देने की भावना उसका बुरा सोचने की भावना नहीं आनी चाहिए और इसका कभी कभार उपयोग किया जाना चाहिए जब कि हमें लगे कि और कोई रास्ता नहीं बचा है और जो यह फैसला लिया गया है वह बहुत ही ख़राब है यानी कि जो फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है और इसका पैसिव रेजिस्टेंस करने के अलावा कोई उपाय नहीं है जिसमें कि लोग कानून को ना मानते हुए अपनी गतिविधियां कर सकते हैं लेकिन जैसा कि गोखले कहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में भी हमारा हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें जो साधन अपना रहे हैं वो नैतिक हो और हमारे ऊपर नफरत या घृणा की भावना हावी ना हो और बाद में आ, हम देखेंगे कि महात्मा गांधी भी इसी तरीके से अपने विचारों को रखते हैं हालांकि वो ज़्यादा परिष्कृत रूप से सत्याग्रह की धारणा का विकास करते हैं और उससे आगे बढ़कर वह सत्याग्रह की उस धारणा को अमली जामा भी पहनाते हैं और लगातार सीखते हुए भारतीय लोगों के भीतर इस भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं अगर हम गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों की सीमाओं की बात करें तो कुछ बातें तो बिल्कुल साफ तौर पर दिखती हैं पहली बात तो यह है कि वे ब्रिटिश शासन के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाएँ और जिस तरीके से ब्रिटिश शासन के प्रति उनका एक आकर्षण था उनके मन में यह बात थी कि इसमें जो संस्थाएं आ रही हैं या जो पश्चिम के जो विचार हैं उससे भारतीय लोगों की भलाई होगी तो यह एक विचार अत्यधिक आदर्शवादी तरीके से चीज़ों को देखने की तरह था क्योंकि ब्रिटिश शासन वास्तव में भारतीयों का लगातार शोषण लगातार दोहन कर रहा था और उस शोषण और दोहन की प्रक्रिया को खत्म करने का यही रास्ता था कि उस शासन को समाप्त किया जाए लेकिन गोखले उसके आकर्षण को उसे कभी भी अपने आप को पूरी तरीके से नहीं निकाल पाए और उन्हें यह लगता था कि इस शासन के भीतर भारतीयों में चेतना जगाकर उन्हें राजनीतिक सत्ता में ज़्यादा हिस्सेदारी देकर एक बेहतर स्थिति भारतीयों के लिए बनाई जा सकती है और आ, उसमें आ, जो उनकी जो ये समझ थी ऐसा लगता है कि पूरी तरह से सही नहीं थी राष्ट्रीय आंदोलन की उदारवादी चरण का एक संकीर्ण सामाजिक आधार था और जनता ने इसमें निष्क्रिय निष्क्रिय भूमिका निभाई यानी कि आ, जो चरण जिस चरण में गोखले सक्रिय थे कांग्रेस का जो जब गठन हुआ था अठारह में उसके बाद से लेकर हम कह सकते हैं कि काफ़ी वर्षों तक हालांकि बाल गंगाधर तिलक जैसे व्यक्ति भी उसमें सक्रिय थे पर कांग्रेस में जो उदार उदारवादी तत्व थे जो कि अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सक्रिय या सड़कों पर निकलकर संघर्ष करने में भरोसा नहीं करते थे उनका नेतृत्व तो उनकी सोच हावी थी तो उसमें जो एक कमी नज़र आती है वह यह कि उसे सीधे तौर पर जनता से जोड़ने की कोशिश नहीं की गई गोखले ने जो रास्ता बताया वह रास्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा था कि शिक्षा के माध्यम से लोगों के भीतर जागृति लाई जाए लेकिन यह एक दीर्घकालिक परियोजना हो सकती थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी लेकिन गोखले ने इससे अलग इससे इतर होकर कभी भी इस बात की कोशिश नहीं की कि उन लोगों को भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल किया जाए राजनीतिक प्रक्रिया में जिन लोगों के पास शिक्षा नहीं है जो किसान के रूप में मजदूर के रूप में आ, देश में काम कर रहे हैं देश में शोषण का सामना कर रहे हैं तो ये एक दीर्घकालिक रणनीति बताने में तो गोखले सफल हुए लेकिन उनकी यह आलोचना की जा सकती है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था जिसका कि एक बहुत ही संकुचित या संकीर्ण सामाजिक आधार था उसका विस्तार देने की कोशिश गोखले या अन्य नरमपंथी नेताओं ने नहीं की और आरंभिक राष्ट्रवादियों का जनता की राजनीति में विश्वास नहीं था यह बात भी सच है क्योंकि गोखले यह मानते थे कि शिक्षा के माध्यम से लोग सार्वजनिक जीवन में आएं और उन्होंने एक उच्च आदर्श को रखा लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि आम जनता के प्रति एक अविश्वास के कारण भी जो शुरुआती नरमपंथी राजनेता थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने की कोशिश नहीं की उन्होंने महसूस किया कि भारतीय समाज में कई विभाजन और विभाजन है तथा जनता आमतौर पर अज्ञानी थी और रूढ़िवादी विचार रखती थी इसलिए ऐसे लोगों को हम सीधे तौर पर राजनीति में प्रवेश नहीं करा सकते हैं गोखले और अन्य नरमपंथियों ने महसूस किया कि राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले इन विषम तत्वों को एक साथ लाना पड़ेगा इनका निराकरण करना पड़ेगा और तभी लोग राजनीति में जुड़ सकते हैं लेकिन वे यह समझने में विफल रहे कि केवल एक स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और राजनीतिक भागीदारी के साथ ही ये विविध तत्व एक साथ आ सकते हैं यानी कि कुछ ऐसे राजनीतिक मुद्दों को उभार कर भी लोगों के भीतर एक एकता की भावना पैदा की जा सकती है जिससे कि देश आज़ादी की दिशा में आगे बढ़ता इस लिहाज से उन्होंने इस बात की काफ़ी उनकी आलोचना की जा सकती है गोखले की और अन्य जन नरमपंथी राजनीतिज्ञों की कि उन्होंने इस तरह का मोर्चाबंदी करने लोगों को जागरूक करने की कोशिश नहीं की जन भागीदारी की कमी के कारण नरमपंथी अधिकारियों के खिलाफ जुझारू राजनीतिक स्थिति को पैदा नहीं कर सके प्रार्थना याचिका और विरोध जैसी राजनीति कभी कारगर नहीं हो पाई यह भी कहा जा सकता है और इसको लेकर एक विरोध या एक गुस्से की भावना भी नेताओं में पनपी हम सब इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस का विभाजन भी हुआ सूरत अधिवेशन में 1907 में जिसमें कि यही मुद्दा प्रमुख था कि कांग्रेस की दिशा क्या होनी चाहिए बाल गंगाधर तिलक लगातार उसे एक उग्रपंथी दिशा में ले जाना चाहते थे जहाँ पर अंग्रेजों के को प्रार्थना पत्र देने उनके सामने आ, अगर आलोचकों की भाषा में कहें तो बार बार गिड़गिड़ाने से ज़्यादा बेहतर है कि जनता को सक्रिय कर कर उन्हें जनता के हितों के मुनासिब फैसले के लिए मजबूर किया जाए लेकिन जो नरमपंथी नेता थे वह इस तरह की राजनीति के समर्थक नहीं थे बहरहाल हम यह कह सकते हैं कि आ, इन सभी आलोचनाओं के बावजूद जो गोखले की जो पूरी राजनीति थी वह एक दुर्गामी परिवर्तन के दिशा में भारत को ले जाना चाहती थी शिक्षा और संगठन के माध्यम से गोखले लोगों को एकजुट करना चाहते थे वे चाहते थे कि लोगों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिले सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा फंड आवंटित करना चाहिए इस तरह के मुद्दों पर उन्होंने जोर दिया और उन्होंने जिस पहलू पर जोर दिया कि साध्य और साधन में पवित्रता की पवित्रता होनी चाहिए यानी कि हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं उसे प्राप्त करने के लिए हम सही साधन अपनाएं वह भी एक महत्वपूर्ण विचार था वे समाज की प्रगति के लिए राज्य के साथ साथ लोगों के अपने सामुदायिक पहल को भी महत्वपूर्ण मानते थे और इस दिशा में उन्होंने काम किया यानी कि उनका भरोसा सिर्फ इस बात पर नहीं था कि कुछ तरह से गु, एक गुलबंदी करके या कुछ क्रांतिकारी अभियान चलाकर हम अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दें लेकिन लोगों के भीतर सामुदायिक भावना ना आए तो वो इस दिशा में कोशिश कर रहे थे कि लोगों के भीतर सामुदायिक पहल करने की भावना आए वे उस समय के सबसे प्रगतिशील ताकतों का प्रतिनिधित्व करते थे वे समान हितों वाले सभी भारतीयों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय जागृति पैदा करने में सक्षम थे उन्होंने लोगों को राजनीतिक कार्यों में प्रशिक्षित किया काफी लोगों को किया हालांकि हम यह जरूर कह सकते हैं कि वो इसे एक जन आंदोलन में नहीं बदल पाए लेकिन जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी थी उसके माध्यम से स्कूल और कॉलेज संचालित करके रात्रि शिक्षा का कार्यक्रम चलाकर उन्होंने लोगों को एक प्रशिक्षित किया उनके भीतर देश सेवा की भावना को जागृत किया आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया उन्होंने औपनिवेशिक शासक के शासन के मूल रूप से शोषक चरित्र को उजागर किया इस प्रकार इसकी नैतिक नींव को कमजोर किया उनका राजनीतिक कार्य कठोर वास्तविकताओं पर आधारित था ना कि उथली भावनाओं धर्म आदि पर वे मूल रूप से राजनीतिक सत्य को स्थापित करने में सक्षम थे कि भारतीयों के हित में भारत पर शासन किया जाना चाहिए गोखले ने आने वाले वर्षों में अधिक सशक्त उग्रवादी जन आधारित राष्ट्रीय आंदोलन और यह बात गोखले के अलावा अन्य नरमपंथी राजनेताओं के बारे में भी कही जा सकती है भावना को जगाने के लिए बहुत कुछ किया हालांकि वे जनता को अपनी ओर नहीं खींच आधार एवं अपनी मांगों के दायरे को व्यापक बनाने में विफल रहे कुल मिलाकर हम कृष्ण गोखले एक ऐसे राजनेता के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने के हिसाब से देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीछे देखा उनके राजनीतिक विचारों की कई सीमाएं सामने आती हैं और यह भी लगता है कि वो देश की राजनीति में जो स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था उसमें और ज्यादा उग्र और जन उन्मुखी भूमिका निभा सकते थे लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राजनीति को देखा और जिस तरीके से उन्होंने राजनीति को दिशा देने की कोशिश की वह भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम था एक महत्वपूर्ण स्तर था उन्होंने इस बात को स्थापित करने की कोशिश की कि जो लोग हैं वो खुद को संगठित करें और वो संगठन जो है वो मुद्दों की समझ के आधार पर होनी चाहिए वो सामुदायिक जीवन से खुद को जोड़ें वो तर्क के आधार पर चीज़ों को समझें वो सभी धर्मों का सम्मान करें वो साध्य साधन की पवित्रता के मूल मंत्र को समझें तो इस रूप में जो जो एक आधार गोखले और उनके जैसे नेताओं ने तैयार किया हम यह कह सकते हैं कि बाद में भारत के कई अन्य चिंतकों को उससे वैचारिक सूत्र मिले गांधी उनमें से एक प्रमुख नाम है और भी कई नाम लिए जा सकते हैं और हमें यह भी मानना होगा कि जो देश में आगे स्वतंत्रता का आंदोलन चला और जो कई अन्य तरह के मुद्दे ज्यादा मजबूती से उभर कर सामने आए उसमें गोपाल कृष्ण गोखले और उनके जैसे आरंभिक नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में इस चर्चा को मैं यही विराम देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से आप गोपाल कृष्ण गोखले के की जिंदगी और उनके वैचारिक योगदान की एक समझ बना पाए होंगे और मुझे यह भी उम्मीद है कि आप गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों को की एक आलोचनात्मक समझ बनाने के साथ साथ उनके योगदान के बारे में एक आ, संतुलित दृष्टि का विकास कर पाएंगे अगर आप उनके लेखन को और ज़्यादा गहराई से पढ़ेंगे उनके कार्यों के बारे में और ज़्यादा गहराई से जानेंगे तब और मुझे उम्मीद है कि आप आ, इस लेक्चर के बाद ऐसा करने के लिए प्रेरित होंगे तो इस एपिसोड को इस अंक को समाप्त करने की यहाँ मैं इजाज़त चाहूँगा हम अगले अंक में मिलेंगे और एक अन्य महत्वपूर्ण आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक के कार्यों और विचारों के बारे में आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे नमस्कार